हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मुजरा करून सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे प्रणेते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना शतशत प्रणाम करून राजकमल गजानन उत्सव मंडळ शनिवार पेठ सातारा सादर करीत आहे देखावा सर्जिकल स्ट्राइक। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला खरा, पण त्याच दिवसापासून अस्तनीतल्या निखाऱ्याप्रमाणे धुमसत राहणारा आणि भारत मातेवर सतत लपून छपून वार करून रक्तबंबाळ करत राहणारा शत्रूही जन्माला आला, पाकिस्तान। स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या सीमेवर आजही शत्रूची नजर भिरभिरत असते। काश्मीरचे लचके तोडण्यासाठी आतंकवादी नराधम छुपे हल्ले करत राहतात, पण सीमेवर खंबीर उभे ठाकलेले वीर जवान प्रसंगी भारतभूमी आपल्या रक्तानं शिमतील, पण पाकचे नापाक इरादे कधीच यशस्वी होऊ देणार नाहीत। एकीकडे डोळ्यात तेल घालून वीर जवान भारत मातेच्या रक्षणासाठी सज्ज असतात, तर दुसरीकडे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खाक कर देंगे, तबाह कर देंगे, चाहे कितनी भी जाने चली जाए हमारी, पर भारत को निस्तनाबूद करके रहेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। बम के ऐसे धमाके करेंगे कि सिर्फ भारत ही नहीं बाकी देश भी देखते रह जाएंगे। भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लाशों के ढेर लगा के खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन कश्मीर वापस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लगता है भारत सरकार और वहां की आवाम इससे पहले हुए धमाकों को 26/11 को और उससे भी पहले किए गए बॉम्ब ब्लास्ट को भूल चुकी है। वो जख्मियों की चीखें और मरे हुए लोगों के परिवार वालों का आक्रोश भूलती जा रही है। उन्हें फिर से हिला देने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने चुना है आपको, जिहाद के लिए चुना है आपको। जी जनाब, रहम है ये परवरदिगार का जो इस पाक काम को हमारे हाथों अंजाम मिलेगा। हम तैयार हैं जिहाद करने के लिए और हमारे मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। अल जिहाद, अल जिहाद। इस बार ऐसा हमला करेंगे कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। एलओसी के करीब खड़ी सेना को धमाकों से उड़ा देंगे। मुंबई 1993 बॉम्बस्फोट, 26/11 हमला, पठाणकोट हमला, संसदेवर हल्ला, अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला, बास बास। अजून किती सहन करायचं, अजून किती निषेध नोंदवायचा। आता अंत झालाय संयमाचा, आणि त्यातच उरी हमला। 18 सप्टेंबर 2016 रात्री 10:30 भारतीय सेनेच्या एका मुख्यालयावर मोठा हमला झाला। 18 जवानांचा अंत झाला। अजून किती शांत राहायचंय, आता त्यांना आत घुसूनच मारायचंय। सो गया, अब और कितना सहेंगे? अरे सर, उन दहशतवादियों की ऐसी की तैसी, बस आप एक बार ऑर्डर दे दो, कमीनों को जड़ से मिटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे सालों को। जवान जवान, कंट्रोल योरसेल्फ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। कैसे कंट्रोल करें सर, कैसे कंट्रोल करें? सीमा पे गोली जवान खाता है, बम के धमाकों में मेरे देशवासी मर जाते हैं, किसी का हार्ट टूटता है तो किसी का पैर, न जाने कितने सुहाग उजड़ते हैं, कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं।
कितने सपने टूट चुके हैं सर, कितनी खुशियां चूर चूर हो गई है, और आप कहते हैं सब्र करें। सर सर, क्या कसूर है उन मासूमों का सर, जिन्हें बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। खाना खाते हुए, सोते हुए जवानों पर गोलियां दाग दी गई, क्या कसूर था उनका सर, और क्यों करें हम सब्र। राजनीति विरोधाशिवाय सुद्धा काही काम करत होती। भारत सरकार कारवाई करण्यासाठी योजना तयार करत होती। प्रधानमंत्री मोदींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर अजित डोवल यांनी आर्मीचे जनरल दलबीर सिंग यांच्याबरोबर रणनीती ठरवली आणि पुढची जबाबदारी DMO म्हणजे डिरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी ऑपरेशन रणवीर सिंग यांच्यावर सोपवली। अब क्या ऑर्डर्स है सर, फोर्स को क्या करना है? देखिए, बाहर पूरी जनता रास्ते पे उतर आई है, और ये बात भी सही है, और कितने दिन हम यूं ही धरे के धरे बैठेंगे? आप सिर्फ आदेश दे सर, बाकी सब सेना पे छोड़ दे सर। हमारे जवान ऐसी सबक सिखाएंगे कि उन नापाक दरिंदों की इसके बाद भारत की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी। पाकिस्तान को इस बार ऐसी सबक सिखाएंगे कि बस। अगर राजनैतिक मान्यता हो तो फिर ऑपरेशन की तैयारियां की जाए। हाँ, सरकार की तरफ से पूरी परमिशन है। डोभाल जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? सर, हमारे रॉ से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तानी हिस्से में उनके शिविर हैं, जिन्हें लॉन्चिंग पैड कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अंदर घुसना होगा सर। सर, हम वहां सेना भेजेंगे एयरफोर्स के जरिए। स्पेशल कमांडो फोर्स एयर स्ट्राइक करके लॉन्च पैड नष्ट कर देगी। ठीक है, जो करना है वो सोच समझ के ही करना है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार जवाब सिर्फ बातों से नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को जरूर सबक सिखाएंगे। मीटिंग एडजर्न्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जनरल दलबीर सिंग यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक काटेकोर विचार करून प्रत्यक्ष कारवाईचा प्लॅन तयार केला। या प्लॅनिंगमध्ये इस्रोचं विशेष सहकार्य मिळालं। इस्रोने सोडलेल्या उपकरणांमुळे प्रत्यक्ष टार्गेटची छायाचित्रे आणि एक एक मिनिटांचे व्हिडिओ मिळत होते, त्यामुळे ॲक्शन प्लॅन ठरवायला मदत होत होती। बिहार रेजिमेंट आणि डोगरा रेजिमेंटमधील निवडक जवानांना वेगळं करण्यात आलं। 4 पॅरा स्पेशल फोर्स आणि 9 पॅरा स्पेशल फोर्स बरोबर सर्जिकल स्ट्राईक ऑपरेशनसोबत जोडून घेण्यात आलं। सर, ये हमारा टार्गेट, LOC के अंदर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से लॉन्चिंग पैड पर उतरेंगे, और फिर यहां से ये 8 कैंप जो है ना सर, जहां हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एक साथ 8 कैंप पर हमला करेंगे, सीमा के उस पार घुसकर मारेंगे। भारत माता की जय। काश्मीरला लागून असलेली 250 किलोमीटर सीमा सील केली गेली होती। जम्मू, श्रीनगर, पठाणकोट आणि उधमपूरच्या हवाई भागात लढाऊ विमानं तैनात करण्यात आली होती। सगळीकडे हाय अलर्ट होता। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि सैन्याच्या तिन्ही विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते। त्यांच्या नजरा LOC लागून होत्या। 28 सप्टेंबर 2016 मध्यरात्र LOC कमांडो आणि सेनेचे जवान पूर्ण तयारीनिशी सज्ज होते, आणि तो क्षण जवळ येत चालला होता। हीच ती वेळ सर्जिकल ऑपरेशनची।
हेलिकॉप्टर्सनं लाईन ऑफ कंट्रोल पार केलं. या कानाची खबर त्या कानाला लागू न देता विशेष प्रशिक्षित कमांडोज कारवाईला अंजाम देण्यासाठी सज्ज झाले. आणि मध्यरात्री फायरिंग सुरू झालं. एकाच वेळी आठही दहशतवादी शिबिरांवर हल्ला चढवण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी या ऑपरेशनच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या आणि भारतीय सैन्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना त्यांच्या भागात घुसून मारलं होतं. प्रत्यक्ष कृतीतून हा पाकिस्तानला दिला गेलेला इशाराच होता.